कृषि केंद्र है, ये बिना बीओ के उपस्थिति, बिना कोऑर्डिनेटर के उपस्थिति में बांटते हैं। हमको जातीयता और ये नहीं करना है, हमको थोड़ी देखना है। कोई भी जात का हो, अगर वो व्यक्ति किसान है, उसको अनाज की जरूरत है, बीज का तो हम देंगे। तुरंत हमको एक सप्ताह के अंदर जांच करवाइए यहाँ का पूरा योजना, और आप अपने उपस्थिति में एक एक किसान सलाहकार को बुलाइए और कोऑर्डिनेटर को बुलाइए। ये पर्टिकुलर जो है चेहरा देख करके बीज बांटते हैं। जातीय समीकरण पे भी यहाँ पे धीरे धीरे जो है मामला बढ़ रहा है। देखते ही देखते बिहार के कृषि मंत्री आखिर गुस्से में क्यों आ गए? जब गया के कृषि विभाग पहुंचते हैं और ताला लटका हुआ देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, फ़ोन निकाल कर समझाने लगते हैं और क्लास लेने लगते हैं। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह कृषि मंत्री जब गया के कृषि विभाग पहुंचते हैं तो ताला लटका देख उनका गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। अब इसके बाद जो कुछ मंजर वहाँ देखने को मिला, सरबजीत सिंह साफ तौर से फ़ोन निकाले और अधिकारियों के क्लास जब लेने लगे तो सभी सकते में आ गए। जातीय लड़ाई करवा देंगे यहाँ ही, तो स्थिति है, झगड़ा झंझट हो जाता है। बोल देते हैं आपको कहा तो है जमालपुर आवाज के देख लीजिए, यहाँ झगड़ा हो रहा है, लाइन लगवा के बंटवा दीजिए, तो कह रहे हैं कि ठीक है बंट जाएगा। दो दिन तो ऐसा हुआ है कि मैंने, हम तो यहाँ पर रहते हैं तो झगड़ा जातीय से करवा देंगे, भूमिहार ज्यादा तक कुंभ कर करके लड़ाई करवा देंगे यहाँ। दम ऐसा बात है, इसलिए बात हो गई कहीं ना जब कर रहे हैं, लाइन में लग रहा है, 10 रुपए का ले ले रहा है, और जो लाइन में बेचारा पीछे ठेलाई इरावे नहीं करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, ज्यादा के क्षेत्र में हमें इनको रा के पटवाना चाहिए लाइन लगवा के। वैसे चलेगा थोड़े, अब लड़ाई हो जाएगा तो बदनामी आपका होगा, सबको इनको क्या है, तो यहाँ रहेंगे क्या, दूसरा जगह जाएंगे, हम लोग एक जगह किराए वाला आदमी है। यहाँ जो बीज बढ़ती है, बीज बढ़ती है तो बीज जो है आपका सिवा सीड कृषि केंद्र है, ये बिना बीओ के उपस्थिति, बिना कोऑर्डिनेटर के उपस्थिति में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ के बीओ को जब किसान कहता है कि भाई आइए बैठिए, बोला बढ़ जाएगा ना, जाओ। इनको जो है एक जांच कमेटी बैठा करके इनको शो कॉज करिए तुरंत, और इनका जो है फाइल हमारे पास वहां भिजवा दीजिए पटना। ठीक है ना, तुरंत हमको एक सप्ताह के अंदर जांच करवाइए यहां का पूरा योजना, और आप अपने उपस्थिति में एक एक किसान सलाहकार को बुलाइए और कोऑर्डिनेटर को बुलाइए। आखिर जो है कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं गांव में जाके किसानों को बता रहा है? हजार किसान यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग दौड़ धूप रहे हैं, कोई इनको बीज नहीं मिलता, और ये पर्टिकुलर जो है चेहरा देख करके बीज बांटते हैं। तो आपस में इन लोग का जो मन मुटाव है, जातीय समीकरण पे भी यहाँ पे धीरे धीरे जो है मामला बढ़ रहा है। किसान का कोई जात होता नहीं है, किसान किसान होता है, और अधिकारी जात पात करते हैं, और वो भी ठीक है। मेन है कि यहाँ पे अगर सब चीज रखा हुआ है तो किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर काम करेगा ना। हमको जातीयता और ये नहीं करना है, हमको थोड़ी देखना है। कोई भी जात का हो, अगर वो व्यक्ति किसान है, उसको अनाज की जरूरत है, बीज का तो हम देंगे। और जब मैं पूछा हूं सिर्फ कृषि केंद्र से कि जब तुम बीज बांट रहे थे तो कौन लोग थे, एक भी अधिकारी नहीं था। किसान सलाहकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गांव में प्रचार प्रसार करके और किसान को भेजे, या इन लोग डेट तय करें कि जो कोऑर्डिनेटर है जिस पंचायत का बचा हुआ है वो दे। इक्वल हिस्सेदारी होनी चाहिए, इक्वल हिस्सेदारी होना चाहिए ना, कि भाई चलिए ठीक है, हमको जो है
अगर किसी एक पंचायत में सिर्फ मसूरी दे दिया, किसी एक पंचायत में सिर्फ चना दे दिया, यहाँ पे करीब करीब 100 किसान हैं। यहाँ समस्या वो नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ये चेहरा देख करके बीज बांटते हैं। दूसरी समस्या है कि बीज वितरण होता है तो स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं। ये बड़ी विडम्बना है कि बीज वितरण होगा सरकार का और हमारा कोऑर्डिनेटर डेट को देख लीजिए, कौन सा डेट में किस पंचायत को बटा है, उस दिन कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं थे, वो सारे कोऑर्डिनेटर के बीज वितरण के दिन जो नहीं थे सबको सोपोज करिए, और ये क्यों नहीं उपस्थित थे उस दिन हमारे उस आधार पे इनको भी सपोर्ट करें। इनका यही रहता है, यहाँ पे ये रहते ही नहीं है। ठीक है, आप एक बैठ करके सब लोग के साथ एक कमेटी बना के आखिर एक रिपोर्ट हमको भी दी कि आखिर लगातार अब जो बीज भंडार है ये कहता है कि हम अतरी में बांटते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मानपुर में बांट रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको परैया में बहुत दिक्कत है। तो वही बीज बात वितरक जो दुकानदार है वो दो ब्लॉक में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसको परैया में क्यों प्रॉब्लम होगा? इसका मतलब है कि ये लोग जो है बीज वितरण के दिन नहीं रहते हैं। प्रतिनिधि को नहीं छीनते, आप लिख दीजिए ना, सस्पेंड होगा, आप लिख के भेज दीजिए, भेज दीजिए, लिख के।